हाँ दोस्तों, बहुत सारी शिकायत रहती है हमारे दोस्तों को। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमारे जो प्यारे कस्टमर्स हैं कि उनके आइकन उड़ जाते हैं, एंटीवायरस उन्हें उड़ा देता है। तो आइए आज आपको मैं सोचा बता दूँ, इसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। ये मान लीजिए, लेट्स सी, अधिकतर DLL फाइलें उड़ाता है। दोस्तों मैं आपको राय दूंगा, कभी भी DLL फाइल नेट से डाउनलोड मत करिए, क्योंकि नेट से DLL फाइल डाउनलोड करने का मतलब है वायरस को सीधे सीधे इन्वाइट करना। आइए देखते हैं, मान लीजिए इन फाइलों में से कोई उड़ाता है, एंटीवायरस बंद करिए, जैसे मैं कहता हूँ गेम इंस्टॉल करते समय। उसके बाद इन फाइलों को सेलेक्ट करिए जिनको आपको लगता है उड़ा देगा। स्टीम API इधर देखिए, स्टीम API स्पेशल फाइल है जिसे उड़ाता है। राइट क्लिक करिए और जाइए एड टू आर्काइव में। आर्काइव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, AB। ये आर्काइव आने के लिए आपके कंप्यूटर में विनरार होना जरूरी है। मैंने ABCD रख दिया, 1234 कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है ऊपर एडवांस, इसमें जाइए, इसमें जाके सेट पासवर्ड करिए। शो पासवर्ड कर देंगे तो आसानी रहेगी। उसका नाम वही रखिए जो फाइल का रखा है, इससे आपको छाटने में आसानी होगी। ओके करिए एंड देन क्लिक ओके हियर। आप पाएंगे इसने एक आर्काइव बना दिया। तो दोस्तों क्या होगा, जब आप गेम खेलेंगे, आप एंटीवायरस बंद कर देंगे, गेम जब आप बंद करेंगे एंटीवायरस ऑन होगा, वो फाइल उड़ाएगा, लेकिन अब की बार वो उड़ा नहीं पाए, क्योंकि देखिए ये फाइल आ गई है ABCD। इस पर राइट क्लिक करिए, एक्सेप्ट हियर करिए और फिर से आपका गेम शुरू। लेकिन तब तक के लिए आपको अपना एंटीवायरस बंद रखना होगा। और मैं चैनल देखने के लिए थैंक यू।